जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत पामगढ़ के बसपा विधायक इंदु बंजारे अपने साथ सूत्रीय मांगों को लेकर पामगढ़ के अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है तथा धरना स्थल के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। इस संबंध में बसपा विधायक इंदु बंजारे ने मीडिया को चर्चा के दौरान बताया कि हमने क्षेत्र के विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और विधानसभा के माध्यम से क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया है, लेकिन विपक्ष के विधायक होने के कारण पामगढ़ क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कई कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दे दी जाती है, लेकिन उसकी राशि रोक दी जाती है। पामगढ़ में विपक्ष के विधायक होने के कारण और विभिन्न समस्याओं पर मुख्यमंत्री और प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी मुख्य मांग डोंगा कोहरौद से ससहा मार्ग, रीवा पाड़ा से रहौद मार्ग निर्माण, बिजली बिल में अनियमितता, अवैध शराब सहित विभिन्न मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। शासन द्वारा हमारी मांगों पर ठोस पहल नहीं किए जाने पर धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगी एवं चक्का जाम भी किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस सरकार के द्वारा उपेक्षा किया जा रहा है और इंदु बंजारे जी विधायक पामगढ़ बहुत सक्रिय है, इसलिए सक्रिय है कि कोई ही मुद्दा को विधानसभा में उठाया है अभी तक। और खास करके हम जिस विषय को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, दोनों को अधूरे निर्माण कार्य को लेकर, इंदु बंजारे जी के साथ में मैं कई बार शासन को भी अवगत करा चुका हूँ, प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूँ। पिछले बार 3 महीना पहले हरपहरी साहब थे, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण रायपुर, उनके समक्ष मैं इंदु बंजारे जी के साथ में गया था कि लोगों को पिछले सड़क को आप निर्माण कराएं, तो उनका एक ही कथन था कि हमारे सरकार के खाते में 18 करोड़ पैसा डोंगा कोहरौद के किसानों को देने के लिए नहीं है। अब जब नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे, तो रोड निर्माण नहीं हो पा रहा है। यदि किसान लोग मुआवजा का मांग नहीं करेंगे तो हम वो रोड को बना देंगे, लेकिन किसान बंधु मान नहीं रहे, नहीं मानना चाहिए, क्यों मानेगा, उनका निजी भूमि है और 50 साल पुराना निजी भूमि है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो हमारी लड़ाई यही है कि डोंगा कोहरौद के जो 96 किसान हैं उनका मुआवजा देना चाहिए सरकार को, मुआवजा देने के बाद में सड़क का निर्माण करना चाहिए। यदि दोनों काम नहीं कर पाता है तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम अभी देख रहे हैं सरकार की कृतियों को कि सरकार क्या चाहती है, लोक निर्माण विभाग क्या चाहती है, फिर उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाएंगे। अभी तो हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलेगा जी। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और शासन की मांगों को लेकर आज हम सब बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जो निश्चितकालीन है उसका शुभारंभ किया गया है। इसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक सम्मानित दुजराम बौद्ध जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर रोहित डारिया जी, हमारे जनपद के जनपद अध्यक्ष सम्मानी राजकुमार पटेल जी और बहुत सारे हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ करिष्ठ पदाधिकारी साथियों के साथ मिलकर जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है और शुभारंभ हुआ है। और जो साफ सुथरी मांगे का प्रमुख विषय ये है कि जो लंबे समय से जो पामगढ़ से डोंगरगढ़ जो जिले से राजधानी को जोड़ने वाली जो सड़क है वो लंबे समय से जर्जर है, अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया है, संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी है, विधानसभा में हर सेशन में, हर विधानसभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय मंत्री महोदय जी को इस समस्या से अवगत भी कराई। लगातार 4 सालों से मैं प्रयास करी, उसके बावजूद भी आज पर्यंत तक न तो छत्तीसगढ़ सरकार से नहीं प्रशासनिक व्यक्ति से कोई पहल की गई है उस सड़क को बनवाने के लिए। मजबूरन में आज हम सबको सड़क पर उतर कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ रहा है और यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शासन प्रशासन से हमें ठोस विश्वासपूर्ण हम लोग को जब वो सहमति नहीं देंगे कि सड़क को बनवाया जाएगा अमुक दिनों में अमुक समय तक, तब तक हम इस जगह से उठेंगे नहीं और यह धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में बोली थी कि छत्तीसगढ़ जैसे ही हम अपनी सरकार बनाते हैं तो पूरे शराब बदली करेंगे। इसके संबंध में मैंने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन उस समय उनका जवाब था कि प्रक्रियाधीन है, समिति गठित कर रहे हैं, लेकिन लगभग 4 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, न तो इनकी मंशा दिखाई दे रही शराबबंदी करने के लिए, उनका उल्टा सरकार जगह जगह चौराहे में और पाउच में लेकर गलियों में शराब बेच रही है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आय शराब से हो रही है। इसलिए उनकी मंशा नहीं कि वो शराब को बंद करें, बल्कि वो और जगह जगह शराब को बेचने का कार्य कर रही है। बहुत सारे ऐसे हमारे पामगढ़ क्षेत्र में सड़क है जो अत्यंत जर्जर है, जिसे मांगों को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में भी मैंने बजट सत्र में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को अपने पत्र के माध्यम से दिया था। कई सड़क जो है, जैसे आप देवरी से भूगांव वाला सड़क, वो बजट सत्र में शामिल भी था। उषमा से शिवरी नारायण वाला सड़क है, वो भी बजट में शामिल था, लेकिन क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी की विधायक हूँ और पामगढ़ की विधायक हूँ, इस नाते उनका दुर्व्यवहार और वो नहीं चाहते कि पामगढ़ में फिर से बहुजन समाज पार्टी की विधायक बने, इस कारण उनकी मंशा है कि वो पामगढ़ में कोई कार्य नहीं कराना चाहते हैं। इसी कारण से वो प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं दे रहे हैं। जितना भी मेरा कार्य बजट में शामिल हो रहा है उसमें कोई प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। मजबूरन यह है कि मुझे सड़क पे उतर कर उनको उनसे जवाब मांगना पड़ा है। एक विधायक और शासन को शर्म आनी चाहिए कि एक छत्तीसगढ़ सदन के एक सदस्य अपने हक अधिकार को पाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए सड़क पे उतर कर धरना आंदोलन कर रही है, ये बात छत्तीसगढ़ सरकार को शर्म आनी चाहिए। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, सीजी विजन टीवी।